नमस्कार, स्वागत है आपका फिफर्णा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने शुरू की थी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। तो प्रक्षेपी विधियों में कल की क्लास में अपनों ने शुरू किया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को। तो चलिए आज अपन उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में भी व्यक्तित्व मापन की विधियां, और मापन की विधियों में भी कौन सी विधि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो प्रासंगिक जो अंतर्बोध परीक्षण है, अंतर्बोध परीक्षण, इसकी यदि अपन बात करें तो अपनों ने मोटी बातें तो इस संबंध में देख लिया था। ये परीक्षण 1935 में आया। कौन लेकर आए? मॉर्गन व मूरे लेकर आए। इसके साथ साथ इस परीक्षण में 30+1 कार्ड थे। 30 कार्ड थे, वो 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, 10 दोनों के लिए थे, प्लस एक जो कार्ड था वो खाली कार्ड था। इसके साथ साथ ये भी अपनों ने देखा कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया ऐसी होती है कि परीक्षक जो कि किसी व्यक्ति का अध्ययन करता है, तो वो उस व्यक्ति के समक्ष 2 सत्र में, यानी 2 समय में, और उन कार्डों को प्रेषित करता है। क्यों प्रेषित करता है? क्योंकि प्रत्येक के लिए 20 कार्ड होते हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भाई 10 कार्ड महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए, तो 10-10 तो दोनों के लिए हो ही गए, और 10 जो बचे हुए कार्ड्स थे वो दोनों के लिए थे, तो वो दोनों में काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए पुरुष के लिए भी 20 हो गए और महिला के लिए भी 20 हो गए। तो वो क्या करता है कि व्यक्ति के समक्ष 20 कार्ड प्रकाशित करता है, परंतु 2 सत्र में 2 बार प्रकाशित करता है। एक बार 10 प्रकाशित करेगा, एक बार 10, और जब वह प्रकाशित करेगा तो वो परीक्षक के समक्ष एक एक करके कार्ड रखता जाएगा, और प्रत्येक कार्ड के लिए वह 5 मिनट उसको देगा कि 5 मिनट में वो उस कार्ड में जो भी चीज समझ रहा है, जो भी चीज देख रहा है, उससे संबंधित कहानी लिख दे। तो उससे संबंधित व्यक्ति जो है वो वहां पर विचार प्रकट कर देता है। तो इतनी सी बातें अपनों ने यहाँ पर देखी थी, और अपनों ने ये भी देखा था कि वे 30+1 कार्ड में 30 कार्ड तो हो गए जिनमें चित्र थे, जबकि 1 कार्ड है वो बिल्कुल खाली होता है। अब 5-5 मिनट के लिए कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति कहानी लिख भी देता है, और जब व्यक्ति कहानी लिख देता है तो उसके बाद जो खाली कार्ड होता है वो व्यक्ति को दिया जाता है। और खाली कार्ड में फिर यूं होता है कि उसमें भी व्यक्ति जो इन सभी कार्डों में लिखता है उनसे क्या समझता है, उस प्रकार से और एक सारांश रूप में कहानी और लिखवाई जाती है। और जब कहानी व्यक्ति लिख देता है इस संबंध में भी, तब फिर बाद में उसका अंतिम रूप से विश्लेषण किया जाता है। उसकी कहानियों के आधार पर उसके विचारों का विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, देखिए मोटे तौर पर ये चीजें अपनों ने देख ली थी सारी की सारी। बस अपने को आज शुरू कहाँ से करना है? खाली कार्ड से। तो प्रक्रिया अपनी 5-5 मिनट में वो कहानी लिख देता है, यहां तक कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, अंतिम खाली कार्ड को बाद में प्रयोज्य कौन है, जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, तो बाद में प्रयोज्य के समक्ष रखा जाता है, और उसके बाद उसमें भी एक कहानी लिखी जाती है उससे संबंधित भी। देखिए ऐसी बात नहीं है कि खाली कार्ड से संबंधित कुछ नहीं लिखा जाता। हो सकता है कि खाली कार्ड सफेद रंग का हो सकता है खाली कार्ड लाल रंग का हो, तो वो व्यक्ति उस रंग से संबंधित लिख सकता है, उस कार्ड से संबंधित लिख सकता है। अब बहुत से लोग यूं कहते हैं कि बच्चे खाली किताब होते हैं, उनमें आप जो चाहे वो लिख सकते हो, और शून्य या खालीपन उससे संबंधित। अब खाली कार्ड है तो खालीपन से संबंधित, यदि व्यक्ति अपने जीवन में एकाकी जीवन में है और अपना एकाकी जीवन महसूस करता है, तो वो उससे संबंधित उसमें लिख सकता है।
साथ ही साथ आप उस समय को याद कीजिए, शिकागो धर्म सम्मेलन, जब विवेकानंद जी गए थे धर्म महासभा में, तो वहां पर विवेकानंद जी को शून्य ही दिया गया था टॉपिक, और शून्य पर वो इतना बोल गए, इतना अच्छा बोल गए कि संपूर्ण विश्व भारत के पीछे चल पड़ा। तो यही बात है कि ये बात नहीं है कि खाली कार्ड से संबंधित कुछ नहीं लिखा जाता, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति है तो वो ये मतलब इस प्रकार से कहता है कि मुझे तो चारों तरफ खाली खाली नजर आता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भीड़ में ही अकेला हूं, और हमारे अनेक कवि भी है, वर्तमान कवि भी है, आधुनिक कवि भी है, जो इससे संबंधित एकाकी जीवन से संबंधित कहानियां सॉरी शेरो शायरी भी लिख रहे हैं। साथ साथ हमारे पुराने कवि हैं, उन्होंने अनेक बार अनेक जगहों पर इस प्रकार की कविताओं की रचना भी की है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ, हिंदी में एक कवि है निराला जी। निराला जी जब अंत में अपने जीवन के अंतिम समय में जब अकेले हो गए थे, तब उन्होंने इसी प्रकार की कहानियां लिखी थी, सॉरी कविताएं लिखी थी। तो उन कविताओं के आधार पर अपन समझ सकते हैं कि उस समय वो जीवन में अकेले थे। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी सामने आ सकती है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या कहा कि प्रयोज्य के समक्ष रखा जाता है, जिसके संबंध में वह कहानी लेखन करता है। तो इसके संबंध में कहानी लेखन करता है, कौन करता है? प्रयोज्य या जिसका टेस्ट किया जाना है, वह कहानी लेखन करता है। तो तत्पश्चात उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये बात होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहां पर अपनों ने देखा कि वे अंतिम खाली कार्ड को बाद में प्रयोज्य के समक्ष रखा जाता है, जिसके संबंध में वह कहानी लेखन करता है, और उसके बाद उसकी कहानी का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है, ये चीज भी अपन यहां पर देख लेते हैं। जो प्रयोज्य है वो कहानी लिखता है, तो जाहिर सी बात है कि कहानी में कोई ना कोई पात्र होते हैं, उन पात्रों के अपने चरित्र होते हैं। किसी भी विधा में ले लीजिए, कहानी ले लीजिए, रेखाचित्र ले लीजिए, संस्मरण ले लीजिए, पात्र होंगे, और सभी पात्र अपना अपना चरित्र भी साथ लेकर आते हैं। कुछ नकारात्मक पात्र होते हैं, कुछ सकारात्मक पात्र होते हैं। तो उनमें यूं होता है कि वो जो चित्रण होता है चरित्र का, पात्रों का, उसके आधार पर जो प्रयोज्य है उसका आंकलन किया जाता है। तो यहां पर अपन यूं भी लिख सकते हैं कि वे वर्णित पात्रों एवं उनके चरित्र चित्रण से या चरित्र चित्रण के माध्यम से प्रयोज्य के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इससे क्या हुआ, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाएगा। कहानी जब लिखेगा तो वो किस किस प्रकार के पात्र ला रहा है, किस किस प्रकार के और कितने पात्रों की वो रचना कर रहा है, और इसके साथ साथ तो उन पात्रों में कितने पात्र ऐसे हैं जो सकारात्मक चरित्र वाले हैं या आदर्श चरित्र वाले हैं, साथ साथ कितने पात्र ऐसे हैं जो नकारात्मक या बुरे चरित्र वाले हैं। तो इस आधार पर फिर क्या किया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जाता है। और जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं, देखिए, इसके माध्यम से
व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में अनेक पक्षों की जानकारी मिल जाती है, उसके अंतर्द्वंद्व की जानकारी मिल जाती है, उसकी संवेगात्मक स्थिति की जानकारी मिल जाती है, उसकी विभिन्न समस्याओं की जानकारी मिल जाती है। तो अपन यहाँ पर यही कह सकते हैं कि कहानी के विश्लेषण द्वारा व्यक्ति के अंतर द्वंद्व के साथ साथ है संवेगात्मक स्थिति स्थिति आवश्यकताएं एवं समस्याओं की जानकारी ली जाती है। तो ये देखिए, कहानी द्वारा विश्लेषण करते हैं तो व्यक्ति किस प्रकार से मानसिक अंतर्द्वंद्व को महसूस कर रहा है, उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या है, वह भावुक है या कठोर हृदय है, वह जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है क्या, उसकी आवश्यकताएं कौन सी ऐसी है जो पूरी हो चुकी, या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है कि नहीं होती, उसकी समस्याओं का समाधान होता है कि नहीं होता, इन सभी चीजों का इसके माध्यम से पता लगाया जाता है, जानकारी ली जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इस प्रकार इस विश्लेषण में है, या अपन यूं कहें कि इस परीक्षण में जो है वो चित्रों को देखकर लिखी गई कहानियों का वो विश्लेषण करता है परीक्षक, और जब वह विश्लेषण करता है तो वह यूं समझ जाता है कि व्यक्ति जो लिख रहा है वो स्वतंत्र प्रकृति के आधार पर लिखता है या किसी के दबाव में आकर लिखता है, उसकी उस जीवन शैली का भी पता चल जाता है कि भाई व्यक्ति में कहीं किसी भी प्रकार का दबाव है कि नहीं है, या वह स्वतंत्र व सुखी जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर अपनों ने जो चीज देखी उसी के बारे में अपन लिखते हैं कि कहानी में वर्णित विषयों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है, और किससे संबंधित आकलन किया जाता है, जो मुख्य पात्र होते हैं, तो विषयों के आधार पर मुख्य पात्रों की आवश्यकताओं तथा दबावों के विषय में जानकारी मिलती है। यहां पर मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक तो व्यक्ति की मन स्थिति का पता चलता है इसके माध्यम से, वो जो कहानियां लिखता है ना, कहानियां मनोवैज्ञानिक या जो परीक्षक है वो ध्यान से पढ़ता है, और ध्यान से पढ़कर और उनमें जो पात्र है, पात्रों की मनोस्थिति है उसके आधार पर, मन स्थिति है उसके आधार पर मनोवैज्ञानिक या जो परीक्षक है वो अंदाजा लगा देता है कि किस प्रकार का ये व्यक्ति है, उसकी किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की उसकी आवश्यकताएं हैं। यदि वो कहीं भी सामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसका जीवन संतुलित है, यदि असामान्य व्यवहार भी कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है वो चीज भी वो पता लगा लेता है। और असामान्य व्यवहार के पीछे कारण का किसके माध्यम से पता लगाता है, वो कहानी में विभिन्न पात्र लिखता है, तो वो पात्र है तो वो पात्र विभिन्न असामान्य व्यवहार करवाता है वो
क्योंकि मन में चल रहा था, तो वो उन पात्रों से असामान्य व्यवहार करवाता है। साथ साथ उस कहानी में वो ये भी वर्णन कर देता है कि उसने ऐसा किया क्योंकि, अब क्योंकि में वहां पे कारण आ जाता है, तो मनोवैज्ञानिक भी उसका पता लगाते लगा लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति जैसा भी है वो क्यों है, और इस प्रकार से व्यक्ति की व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक जब समझ लेता है कि भाई यह व्यक्ति ऐसा है, इसके लक्षण ये हैं, इसके गुण ये हैं, तो उस संबंध में वह उसे निर्देशित भी कर सकता है, उसे सुझाव भी दे सकता है कि भाई आपको ऐसा इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इसकी पूरी प्रक्रिया है वो हो जाती है कि कहानी में वर्णित पात्रों के आधार पर उसके बारे में पता लगा लिया जाता है। और साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि यह जो परीक्षण है, इसके माध्यम से व्यक्ति की जो निराशा है, जो आवश्यकताएं हैं, जो विभिन्न समस्याएं हैं, रुचि है, अभिरुचि है आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसलिए भी उसे उचित निर्देश दिए जा सकते हैं। तो अपन सीधा का सीधा यही कहेंगे कि भी इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की समस्याओं आवश्यकताओं रुचि अभिरुचि इसके साथ साथ इन्होंने काम संबंधी प्रेम संबंधी समस्याओं को भी लिया है, तो रुचि अभिरुचि का पता लगाकर उचित निर्देश दिए जाते हैं। ये लीजिए, ये यहाँ पर पूर्ण होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 1935 मॉर्गन व मूरे द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर कहानी लिखवाएगा, प्रत्येक पात्र के समक्ष पहले 20 कार्ड होंगे, उसके बाद खाली कार्ड होगा, कहानियां होगी, कहानी के बाद मनोवैज्ञानिक पढ़कर उसकी विभिन्न प्रकार की रुचि अभिरुचि समस्याएं असामान्य व्यवहार सभी का पता लगा लेगा, और पता लगाकर उसे उचित निर्देश दे देगा। यही व्यक्तित्व के मापन की विधि होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन शुरू करने जा रहे हैं अगला परीक्षण। और अगला परीक्षण कौन सा? वही परीक्षण जो इससे संबंधित ही माना जाता है। और मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो परीक्षण है ये 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए है, और मैंने उस समय ये बात भी बताई थी कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों का भी यदि इस प्रकार से मापन करना हो तो इसी प्रकार का परीक्षण एक और भी माना जाता है। और उस परीक्षण का नाम क्या है तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण था, तो यहाँ पर बालक अंतर्बोध परीक्षण हो जाता है। अंतर्बोध परीक्षण हो जाता है, तो ये कौन सा परीक्षण है? बालक अंतर्बोध परीक्षण। जैसे अपनों ने उसको कहा था थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, ठीक है, यानी TAT, उसी प्रकार से इसको कहेंगे चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट यानी चाइल्ड तो किससे? CHI, तो C, और एप्रिसिएशन A, और टेस्ट T, यानी इसे अपन क्या कह सकते हैं? CAT टेस्ट। तो अपनों ने पहले TAT टेस्ट देखा, TAT टेस्ट को पढ़ा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को देखा, और अब अपन देखने जा रहे हैं CAT यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण। यदि इस परीक्षण की बात करें कि भाई इस परीक्षण के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक जो है वो इसी प्रकार का नाम है, लियोपोल्ड बेलक। तो आप बेलक, बालक को बेलक से याद रख लीजिए, आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो इसका प्रवर्तक थे लियोपोल्ड
लियोपोल्ड बेलेट। अब ये परीक्षण इन्होंने दिया कब था, अर्थात इस परीक्षण का निर्माण कब हुआ, तो 1948 में यह परीक्षण आया था। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई इस परीक्षण का निर्माण है वो 1948 ईस्वी में लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 14 से अधिक आयु वर्ग के लिए था, तो यह 14 से कम आयु वर्ग के लिए आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। देखिए मूल रूप में यदि अपन देखें तो इसमें जो जिस आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जाता है वो 3 से 11 तक के हैं, तो इस परीक्षण को 14 से कम में शामिल किया गया है, और 14 से कम में भी स्पेशली कौन सी आयु वर्ग वाले बच्चों को लिया है, 3 से 11 वाले का। तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर कि जिस प्रकार प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया उसी प्रकार बालकों के लिए CAT टेस्ट का निर्माण किया गया। ये लीजिए, जिस प्रकार से 14 से अधिक आयु वर्ग वालों के लिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया गया, उसी प्रकार से उससे कम के लिए ये बालक अंतर्बोध परीक्षण बनाया गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि वयस्कों का अध्ययन प्रासंगिक अंतर्बोध और बालकों का अध्ययन बालक अंतर्बोध। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस परीक्षण को किस आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया। तो ये बात मैंने वैसे तो बता ही दी आपको कि भाई यह जो परीक्षण है वो 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों के लिए तैयार किया गया। तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं किसका ये परीक्षण, लियोपोल्ड बेलक, लियोपोल्ड बेलक का ये परीक्षण है। उसके बाद आयु वर्ग, तो यह परीक्षण बालकों के लिए था, तो 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालकों के लिए निर्मित किया गया। तो 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालकों के लिए यह परीक्षण है वो निर्मित किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। अब अपन बात करते हैं कि भाई इस परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं, कितने चित्र होते हैं। तो देखिए इस परीक्षण में भी कुल कार्ड, हालांकि इसमें चित्र नाम भी आता है कि कुल चित्र कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, इसमें इनकी संख्या 10 रखी गई है। और यदि अपन बात करें कि भाई ये जो 10 कार्ड है वो किस से संबंधित होते हैं, किस प्रकार के चित्र होते हैं, तो सभी के सभी जानवरों के चित्र होते हैं, क्योंकि बच्चों को इन चीजों में रुचि आती है। अब बच्चों की यदि रुचि जानना हो, पसंद जानना हो, तो आप या तो खिलौनों पर परीक्षण कीजिए या फिर जानवरों पर परीक्षण कीजिए,
क्योंकि बच्चे उन्हीं से संबंधित रुचि रखते हैं। तो ये सभी के सभी कार्ड है या सभी के सभी जो चित्र है वो किस से संबंधित चित्र थे? जानवरों के। तो अपन यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्ड पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। सभी कार्ड्स पर जानवरों के चित्र अंकित होंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी उन जानवरों को देखकर, अब मान लीजिए कि एक कार्ड में 3-4 जानवर हो, अब बच्चा जिसको सबसे अधिक पसंद करेगा तो वहां पर अपन यूं भी मान सकते हैं कि भाई बच्चा इससे संबंधित रुचि रखता है। देखिए इसमें भी इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। 10 कार्ड है, 10 कार्ड में एक चित्र ऐसा होता है जिसको बालक बहुत अधिक पसंद करता है। मान लीजिए कि एक बालक ने घोड़े को पसंद कर लिया तो जाहिर सी बात है कि घोड़ा एक्टिव जीव होता है तो उसमें व्यक्ति में जो महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होगी यदि वह घोड़े को पसंद कर रहा है। तो इस प्रकार से जिस भी जानवर को वह पसंद करता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो इस परीक्षण के माध्यम से है वो अपन किस बात की जानकारी निकालते हैं, किस बात का पता लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इस परीक्षण द्वारा अपन बालक से विभिन्न प्रकार की जानकारी निकलवा लेते हैं। अब कौन कौन सी जानकारी? एक तो उसके परिवार संबंधी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि किसी बालक को कोई जीव पसंद ही नहीं आए तो इसका मतलब उसके घर में ऐसा कोई माहौल है जिससे जानवर है ही नहीं, या फिर वो लोग उसको पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से इनका परिवार से संबंधित विशेषताओं की जानकारी अपन ले सकते हैं। साथ साथ अपन ये भी कर सकते हैं कि बालक की सफाई संबंधी कितनी आदतें हैं, किस प्रकार की आदतें हैं, इनका भी पता लगाया जा सकता है। साथ साथ बालक की योग्यता की भी जांच यहाँ पर की जा सकती है। मान लीजिए कोई बालक है वो उन कार्ड्स में रुचि नहीं ले, बस उनको कार्ड को ले और फाड़ दे या फिर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, उसका ध्यान अन्य चीजों की तरफ हो, तो वो यहाँ पर योग्यता भी पता चल जाती है कि भाई बालक की जानवरों से संबंधित समझ कैसी है, बालक किसी भी विषय में रुचि लेता है कि नहीं लेता, नई चीजों में उसकी रुचि होती है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी सफाई संबंधी योग्यता इत्यादि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी पता चलता है। तो बालक की आदतों का परीक्षण भी किया जा सकता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि इस परीक्षण द्वारा बालक की परिवार संबंधी सफाई संबंधी प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न समस्याओं एवं आदतों का पता लगाया जाता है। ये लीजिए, मेन बात तो यही है, उसकी समस्याओं का, आदतों का,
अब यहाँ पर अपन क्षमता भी ले सकते हैं, उसकी योग्यताएं भी ले सकते हैं, तो उससे संबंधित उसकी आदतें कैसी है, उसको विभिन्न चीजों से संबंधित कैसी कैसी कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उन सभी चीजों का अब यहां पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भाई सीएटी परीक्षण क्यों किया जाता है, या यूं भी पूछ लिया जाता है, अब अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, अगर क्या रीट की तैयारी सभी कर रहे हैं तो रीट की के जो एग्जाम है उसमें थिंकिंग लेवल के प्रश्न आते हैं, तो सीधा का सीधा एक बार तो प्रश्न टीएटी के संबंध में आया था, परंतु मैं यहाँ पर बता देती हूँ, प्रश्न ऐसे आ जाता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य या कौन सा विकल्प सीएटी के संबंध में सही नहीं है। अब उसमें यूं आ जाए कि भी 10 कार्ड होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं, और इसके साथ साथ यूं हो जाए कि इसका परीक्षण या इसका निर्माण है वो मॉर्गन व मूरे ने किया, तो जाहिर सी बात है कि मॉर्गन व मूरे तो उसमें प्रासंगिक में थे, इसमें तो बैलक थे। तो इस प्रकार से कोई भी एक, और यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि सीएटी परीक्षण द्वारा बालक की जांच की जाती है, तो उसकी विभिन्न समस्याओं संबंधी व आदतों की जांच की जाती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, आगे अपन इस संबंध में कौन सी चीजें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि बालक की बुद्धि का स्तर भी पता चल जाता है क्षमता के माध्यम से, तो ये सब चीजें भी यहाँ पर आ सकती है। बालक की अनेक विशेषताओं की जांच अपन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जैसे उसकी बुद्धि का स्तर हो गया, उसकी अहम संबंधी जो योग्यताएं होगी उसका चित्रण हो गया, तो इस प्रकार से हम बालक की सामाजिक स्थिति का पता भी लगा सकते हैं, सामाजिक विशेषताओं की जांच भी अपन इस परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इस परीक्षण में या इस परीक्षण द्वारा बालक की बुद्धि का स्तर चिंतन क्षमता सामाजिक स्थिति हो जाती है ना, कि भी बालक है वो जिस प्रकार से लिखता है तो उसमें उसके समाज के साथ संबंध कैसे हैं, तो अपन सामाजिक संबंध लिख सकते हैं या सामाजिक स्थिति भी लिख सकते हैं, तो सामाजिक संबंधों से संबंधित भी अपन इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बालक के मानसिक द्वंद्व का भी पता लगा सकते हैं, मानसिक द्वंद्व का, और इसके साथ साथ हम जो बालक है उसके अहम क्षेत्र का भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही अपन लिख सकते हैं कि तथा उसके अहम क्षेत्र संबंधी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं भी अपनों ने एक तो इसके संबंध में यूं देखा कि भी उसकी परिवार संबंधी चाहे मतलब उसकी विभिन्न समस्याओं व आदतों की जानकारी ली जा सकती है, उसकी विभिन्न विशेषताओं का पता किया जा सकता है, चाहे वो चिंतन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक संबंधों से संबंधित हो, चाहे वो बुद्धि के स्तर से संबंधित हो, अहम क्षेत्र से संबंधित हो। अहम क्षेत्र का मतलब एटीट्यूड से लिया जाता है कि बालक का किस प्रकार का एटीट्यूड है। अब कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बहुत सहनशील होते हैं, वो सहन कर लेते हैं चीजों को, और कुछ ऐसे होते हैं विरोधी प्रकृति के होते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी भी बालक की इस परीक्षण द्वारा ली जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आ जाती है जो आप नोट करके यहाँ पर लिखेंगे। अब दो बातें कौन कौन सी यहाँ पर आ जाती हैं, चलिए देख लेते हैं।
एक तो इस परीक्षण के विकास में सर्वाधिक सहयोग किसने दिया, और दूसरी बात देखिए, यह परीक्षण लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया, तो जाहिर सी बात है कि पाश्चात्य विद्वान थे, तो भारत में भी अपन इस परीक्षण को लेकर आए, भारत में भी इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं बच्चों पर, तो भारत में या भारत की परिस्थितियों के अनुकूल इस परीक्षण को किसने बनाया या भारत में इस परीक्षण का विकास किसने किया, तो उमा चौधरी ने किया। और यदि इसके सर्वाधिक विकास में सहयोग की बात करें तो अर्नेस्ट क्रिस ने किया। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर आप नोट लगाकर दो तथ्य लिखेंगे, नोट लगाकर दो तथ्य कौन से कि इस परीक्षण के विकास में सर्वाधिक सहयोग किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट क्रिस द्वारा किया गया। अर्नेस्ट क्रिस द्वारा किया गया। एक तो यह कथन महत्वपूर्ण, दूसरी बात इसको भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है वो बनाने का कार्य किसने किया था? उमा चौधरी ने। तो इस परीक्षण को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी कह सकते हैं अपन, और इसके साथ साथ भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, तो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने एवं इसके संशोधन में योगदान। अब ये योगदान किसने दिया था? मैंने आपको बता दिया कि उमा चौधरी ने दिया था, ठीक है। उमा चौधरी ने, कहाँ की थी उमा चौधरी? कोलकाता। तो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, इस परीक्षण के विकास में सर्वाधिक सहयोग तो अर्नेस्ट क्रिस द्वारा किया गया, और इस परीक्षण को भारत में विकसित करने का श्रेय उमा चौधरी कलकत्ता को दिया जाता है। तो इसी के साथ यह परीक्षण भी कंप्लीट होता है। जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ेंगे अगले परीक्षण की तरफ, अगले परीक्षण या अगली मापनी की तरफ। अपन यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ रहे हैं, तो ये था लियोपोल्ड बेलक का बालक अंतर्बोध परीक्षण, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर अपन देखते हैं कि भी अगला परीक्षण कौन कौन सा हो सकता है। यहां पर अपनों ने इस संबंध में देखा दो लोगों को, यहां पर तीन मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, उमा चौधरी, अर्नेस्ट क्रिस और लियोपोल्ड बेलक। बेलक इसके जन्मदाता हो गए और अर्नेस्ट क्रिस इसके विकास में सहयोग करने वाले, और उमा चौधरी भारत में लाने वाली। अब अपन बात करते हैं अगली प्रक्षेपी विधि। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन अपन कर रहे हैं। तो अगली प्रक्षेपी विधि कौन सी है? रोजेनविग परीक्षण। देखिए, रोजेनविग परीक्षण को कौन लेकर आया था? तो देखिए, रोजेनविग परीक्षण को स्वयं रोजेनविग लेकर आए थे, रोजेनविग। अब रोजेनविग नामक एक मनोवैज्ञानिक है जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रोजेनविग। तो इस परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रोजेनविग द्वारा किया गया। इस परीक्षण को रोजेनविग
रोजेनविक पीएफ परीक्षण भी कहा जाता है। तो अपन यहां पर देख सकते हैं रोजेनविक पीएफ परीक्षण, तो रोजेनविक पीएफ परीक्षण भी इसको कहा जाता है। दोनों ही नाम आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि रोजेनविक के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया था। देखिए, इस परीक्षण का जो आधार था या इस मापनी के निर्माण का जो आधार था वो रोजेनविक की स्वयं की भग्नाशा थी, उनकी कुंठा थी। अब भग्नाशा और कुंठा किसे कहते हैं, जब व्यक्ति दुश्चिंताओं में चला जाता है तो वो कुंठित हो जाता है, वो भग्नाशित हो जाता है। दुश्चिंताओं का मतलब है कि कभी कभार यूं होता है ना कि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मुश्किल में है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो फिर ऐसे है कि हर किसी को ही विपरीत जवाब देता है, पूछता कोई कुछ है उसको बात को कहीं की कहीं ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई समस्या होती है और समस्या होती है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वह चिड़चिड़ेपन के अनुसार है वो व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें करने लगता है। तो वो जो चिड़चिड़ापन होता है ना, जो उसकी विपरीत परिस्थितियों के कारण आया है, वो भी यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे अपन भग्नाशा कुंठा, सामान्य भाषा में बता रही हूं, उसे ही अपन भग्नाशा कहते हैं, कुंठा कहते हैं। ठीक है, जो दुश्चिंताओं के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण आती है, जब अपन अगर बुरी बुरी चिंताएं करते रहते हैं, कभी कभार होता है ना कि कोई अपना घर से बाहर गया हुआ है, अब अपने को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है, वो अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर अपन है वो उसके बारे में दुश्चिंताएं यानी बुरी बुरी चिंताएं, उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, उसे कुछ हो नहीं गया हो, उसको उसकी तबीयत खराब नहीं हो। अब आजकल फोन आ गए तो झट से फोन कर लेते हैं, मान लीजिए फोन ऑफ हो तो फिर तो चिंताएं और अधिक बढ़ जाती है। तो अपन यहां पर यूं कहेंगे कि भी यह जो परीक्षण है, इन्होंने भग्नाशा और कुंठा जो सिद्धांत है उन्हीं के आधार पर दिया था। तो अपन कह सकते हैं कि इस परीक्षण का निर्माण रोजेनविक द्वारा विग द्वारा भग्नाशा, देखो रोजेनविक द्वारा इसका परीक्षण किया गया था, और इन्होंने किसके आधार पर किया, तो भग्नाशा व कुंठा, अपन दबाव भी कह सकते हैं, के सिद्धांतों के आधार पर किया। तो इस परीक्षण का निर्माण रोजेनविक द्वारा किया गया, और किसके आधार पर किया गया, भग्नाशा व कुंठा के सिद्धांतों के आधार पर किया गया। अपन यहां पर यह भी कह सकते हैं कि भी ये है वो उस व्यक्ति का अध्ययन करता है परीक्षण जो दबाव में है। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं इसके आगे की स्थिति और कि इसमें और कौन कौन सी बातों को शामिल किया जा सकता है। देखिए, यह जो परीक्षण है ना वो अर्ध परीक्षण माना जाता है। अर्ध परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि यह आधा परीक्षण है। क्यों? क्योंकि इसके तीन स्टेप है, तीन अलग अलग इसके परीक्षण है। किस किस के लिए है, देखिए जो 4 से 13 वर्ष के बालक हैं उनके लिए तो अलग से है, वयस्क जो लोग हैं उनके लिए अलग से है, युवा जो लोग हैं, किशोर जो लोग हैं उनके अलग से है। तो इसको आधा परीक्षण कह सकते हैं, यानी इसके तीन स्टेप हो गए, तो तीन स्टेप, इसीलिए इसको अर्ध परीक्षण कहा जाता है। तो अपन यहां पर देख सकते हैं कि यह अर्ध परीक्षण कहलाता है। एक बात तो ये होगी, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि भी इस परीक्षण के तीन स्टेप हैं।
तो तीन स्टेप कौन कौन से हैं, तो यहां पर अपन देखेंगे कि यह है सिद्धांत तीन रूपों में है, तीन रूपों में उपलब्ध है। कैसे? पहला, 4 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, 4 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। दूसरा किसके लिए? किशोरों के लिए, किशोरों के लिए। और तीसरे की यदि अपन बात करें तो तीसरा है वयस्कों के लिए, वयस्कों यानी किशोरावस्था के बाद के लिए। तो जो प्रौढ़ लोग होते हैं उनके लिए भी यह परीक्षण तैयार किया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इस परीक्षण में अपन यूं कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, इस परीक्षण के माध्यम से ये कुंठा व भग्नाशा के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसके द्वारा बालक के विभिन्न पक्षों की जानकारी ली जाती है, और वो विभिन्न पक्ष किससे संबंधित होते हैं? भग्नाशा व कुंठा से संबंधित भी, संबंधित ही हो सकते हैं। तो अपन यूं कहेंगे कि इस परीक्षण द्वारा बालक की आक्रामकता समूह है अनुरूपता। अब समूह है अनुरूपता का क्या मतलब है कि भी बालक समूह के अनुसार या समाज के अनुसार कार्य करता है या समाज से विपरीत कार्य करता है। समूह अनुरूपता का भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ समायोजन व कुसमायोजन की जानकारी ली जाती है, कुसमायोजन की जानकारी ली जाती है। तो इस परीक्षण में या इस परीक्षण में बालक की आक्रामकता, समूह है अनुरूपता, समायोजन व कुसमायोजन की जानकारी ली जाती है। तो इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इस परीक्षण में होता क्या है? इस परीक्षण में आपको मैं बता देती हूं पहले ही, 24 चित्र होते हैं, कुल 24 चित्र होते हैं, ठीक है। इस परीक्षण में 24 चित्र होते हैं तथा प्रत्येक चित्र से संबंधित एक ऐसा प्रश्न होगा, एक ऐसा वाक्य होगा जो बालक में किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति को उत्पन्न करेगा या बालक में कुंठा को जन्म देगा। तो वहां पर बालक के सामने वो प्रश्न कर लिया जाता है, ठीक है। अब वो प्रश्न कर लिया गया, अब बालक उस पर आक्रामकता दिखाता है या उसमें एडजस्ट करता हुआ दिखाई देता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया जाता है। तो क्या हुआ, पहले तो 24 चित्र होंगे, ठीक है, 24 चित्र ऐसे रख लिए जाते हैं। तो उसमें है वो प्रत्येक चित्र से संबंधित बालक से प्रश्न किया जाता है। तो प्रत्येक चित्र से संबंधित बालक से प्रश्न किया जाता है, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि बालक के समक्ष कुंठा उत्पन्न करने वाला वाक्य रखा जाता है। तो प्रत्येक चित्र से संबंधित, प्रत्येक चित्र से संबंधित कुंठा उत्पन्न करने वाला वाक्य या प्रश्न बालक के समक्ष
रखा जाता है। बालक के समक्ष रख दिया अपनों ने, उसके बाद क्या हुआ? प्राप्त उत्तर के आधार पर बालक के, या फिर बालक तो अपन नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें तीनों अवस्थाओं को शामिल किया है, 4 से 13 भी शामिल किया है, किशोर भी है और इसके साथ साथ प्रौढ़ भी है। तो व्यक्ति का करेंगे, व्यक्ति के या व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। ये तो होगी इसकी पूरी प्रक्रिया। तो ये हुआ ये सिद्धांत। रोजेनविक का परीक्षण बगनासा वैकुंठा के लिए है। 24 चित्रों के आधार पर वाक्य या प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर बालक समायोजन के अनुरूप देता है या आक्रामकता से देता है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व आंकलन किया जाता है। व्यक्तित्व का मापन जैसे ही हुआ, मनोवैज्ञानिक उसको निर्देशित कर देगा। इस प्रकार से यह विधि चलती है। इस विधि में एक और यदि महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो आप नोट लगाकर लिखेंगे कि भाई इस परीक्षण को भारत के अनुकूल बनाने का प्रयास किसने किया था, इस संबंध में संशोधन किसने किया था। तो उदय पारिक नामक विद्वान ने इसे भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया था, साथ साथ इस परीक्षण के संशोधित रूप को यहाँ पर लागू किया था। तो ये है परीक्षण, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ, इसी परीक्षण के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।